गांधी जयंती के मौके पर जगराओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम लाल खलीफा ने की। इस अवसर पर खलीफा ने कहा, हमें गांधी जी के बताए आदर्शों में रास्ते पर चलना चाहिए। इस अवसर पर रिपुन जांजी, रविंदर सब्बरवाल, करमजीत सिंह कैंत, एमसी सैम्बी, मोहित जैन व अन्य ने राष्ट्रपिता को स्मरण किया था, उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 147वीं जयंती है, जो कि महात्मा गांधी जी और बंदर की धरती से जन्मे और उन्होंने पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, बंदे मातरम तो लैके हिंदुस्तान की धरती के उपर जिन्ना ब्रिटिश गौरमेंट ने जुलम ढाया सी, उन्होंने जिन्ने कब्जे किए सी, जिन्नियां लुट्टां कीतियां सन, उन्होंने नाथ पाउण लई लोकां नूं लामबंद किया। उस वक्त सानू सब नूं पता है, पर अज की नवी पीढ़ी के बच्चे जिहड़े नवे होए हन, जिहड़े इंटरनेट समय के विच जन्मे हन, उन्होंने नहीं पता, क्योंकि उस वक्त बहुत वड्डियां ट्रांसपोर्टां, मोटरसाइकल, स्कूटर, कारां, गड्डियां, इंटरनेट, ये चीज़ां नहीं होया करदियां सन। उस वक्त पैदल चल के जां बैल गड्डियां उपर बैठ के पिंड पिंड शहर शहर जाके पूरे हिंदुस्तान दे चक्कर कट्टे महात्मा गांधी जी ने। पर शास्त्री जी जो एक प्रेरणा का स्रोत सन हिंदुस्तान लई, जिन्हां दा कद भी छोटा सी ते हथ भी छोटे सन, मैनू पता है कि 1961 की लड़ाई, 62 की लड़ाई या 65 की लड़ाई वेले किसे एक आर्मी दे अफसर ने, पता नहीं किसे देश दे लीडर ने, यह कहा सी कि लाल बहादुर शास्त्री जी तुहाडे तां हथ बहुत छोटे हन। वह कहिंदे सन कि अच्छा मेरे हत्थां दा पता तां तुहानू मैदाने जंग विच लगेगा कि किदां दे हत्थ हन। यह जी दृढ़ता साढ़े देश के प्रधानमंत्रियों विच सी, वो कुट कुट के भरी हुई देशभक्ति, और उन्होंने एक होर बहुत वड्डी देन सी साढ़े भारत के नौजवानों, भारत के फौजियों, भारत के जवानों, भारत के किसानों। जय जवान जय किसान का नारा भी कांग्रेस के उस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सानू दिता, जिस नाल साडे देश के जवान बॉर्डर से छातियां चौड़ियां करके खड़े हो जाते सन। भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते, उन्हां पाकिस्तान दे विच पनाह लैके बैठे उन्हां अतवादियों, उन्होंने देश द्रोहियों, जिहड़े साडे देश के नौजवान उन्हां दा बच्चियां बच्चियां दा दिन आए दिन खून बहाउंदे हन, पर उन्हां अतवादियों असी माफ़ नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। पर अपने देश वालों एक गल कहनी चाहते हैं कि वह सुधर जाण, अपने आप पिछे हटा लैन, अपने देश की तरक्की करन वल सोचन, अपने देश की ग्रीनरी वल सोचन, अपने देश के बच्चों के भविख बारे सोचन, अपने देश के बच्चों की पढ़ाई बारे सोचन। ये गल तो चंगी हो सकती है अपने देश को डिवेलप कर, पर साडे देश में आके जेकर अजिहियां गल्लां करनगे तां साडे देश का पूरा नौजवान तत्पर है। देश की गौरमेंट जो भी फैसला लेगी, भारत का हर नौजवान उन्होंने अतवादियों मूंह तोड़वा जवाब देने तैयार।